अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज ईराना आफ इस्लाम ट्रेड एंड बिल्डर्स बैजेटों काशी। इस वक्त हम यूबीएन ट्रेड टावर की साइट पर मौजूद हैं, जहां पर अभी हमने राना जान मुदसर साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के, तो वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये उन चंद लोगों में से हैं जो कि यूबीएन ट्रेड टावर जब बनने लगा था उनके आइनी मुशाहिद हैं ये, तो उस वक्त भी ये मौजूद थे और आज जब हम इन्हें की हैंडलिंग और सर्विंग कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि वहाँ से आपका सफ़र चलना शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो चुके हैं कि यूबीएन ट्रेड टावर का हैंड ओवर कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह से कैसे हैं? ठीक है जी जी बिल्कुल। सर बेसिकली एक बहुत लंबा अरसा आपने गुजारा जिसमें आपने देखा कि यूबीएन ट्रेड टावर डिफरेंट जो मराहिल थे कंस्ट्रक्शन के उसमें से गुजरा और आज फाइनली हैंड ओवर कर दिया गया, तो ये आपने डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है ये अचीवमेंट है जैसे कि इस्लाम शेख या सैफलस आपके लिए, तो आप इस चीज़ को कैसे देखें? अच्छा देखें, मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ बिल्डर सबसे बड़ा जो जीत होती है ना या अचीवमेंट है वो यही है कि कंसिस्टेंट होकर आप काम करते रहें और अपनी साइट को अपने प्रोजेक्ट को रोके नहीं किसी भी स्टेज पर। तो मैं ये समझता हूँ कि सैफ भाई को, यूबीएन ट्रेड टावर की टीम को और इस्लाम स्टेट डीएक्स को ये क्रेडिट जाता है कि ये बिल्डिंग पर वक्त बन पाई है, ठीक है, क्योंकि मुझे आज भी तकरीबन 2.5 साल पुराना वो वक्त याद है जब ये बिल्डिंग की डिगिंग हुई थी और एनओसीज वगैरह बैगे टाउन से मिलती थी, हम लोग यहाँ पे सुबह शाम का टाइम यहाँ गुजारते थे और इवन रात गए भी जब मटेरियल आ रहा होता था या कंस्ट्रक्शन की जॉब हो रही थी, हम लोगों ने मंथली कंस्ट्रक्शन अपडेट और इस तरह से डिफरेंट हमने ये वीडियोस देते रहे। हमारा बुकिंग से ये काम शुरू हुआ था और हमने मुझे सैफ भाई ने एक स्टेज पर कहा कि अपने प्रायोरिटी कस्टमर को यहाँ पे ऑफिस दें क्योंकि मेन गेट से करीब है और फिर ये जिना एवेन्यू पे ऑफिस वाली बिल्डिंग है। हमने ऐसे ही किया, काफ़ी एफर्ट्स की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही काम की तरतीब बेहतर हुई तो हमें बड़े अच्छे अंदाज में फीडबैक शुरू हो गया और हमने बुकिंग बड़े कम टाइम में पूरी बिल्डिंग की बुकिंग कर ली अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर एक और सवाल मेरा आपसे ये था कि डेफिनेटली बीइंग रियल एस्टेट एजेंट या एडवाइजर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब मैं किसी भी कस्टमर या क्लाइंट को कोई चीज़ ऑफर कर रहा होता हूँ तो मेरी जो कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो यूबीएन ट्रेड टावर के हवाले से जो उस टाइम कमिटमेंट की गई थी और आज उन कमिटमेंट्स को आप कैसे ले? मैं ये समझता हूँ देखें, जिस तरह से यूबीएन ट्रेड टावर की मैनेजमेंट उस्मान बिन नजम साहब, उस्मान साहब ने, सैफ भाई ने ये कमिटमेंट्स की थी मार्केट में हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, और उसी तरह टाइमली ये चीज़ें डिलीवर भी की हैं और इस चीज़ की मुझे खुशी है कि ये चीज़ें सारी माशाल्लाह अच्छे अंदाज में लेके चले हैं। फिर क्वालिटी, वो जॉब जो हमने बहुत सारे दूसरे बिल्डर्स में या ऑफिस में जब हम पोजेशन लेने जाते थे हमें पता चलता था इसमें ये फ्लां चीज़ मिसिंग है, फ्लां क्वालिटी नहीं है, ये चीज़ है, ये नहीं है, तो वो सारी की सारी जो जॉब्स थी वो फिर इस केस में वो मुकम्मल की, हमने वो कमी कुताई इस बिल्डिंग में हमने पूरी की। तो ये क्रेडिट नो डाउट कि डीएक्स की टीम को, यूबीएन ट्रेड टावर की मैनेजमेंट को, इन सबको जाता है। और हम लोग तो सेल्स एंड मार्केटिंग यानी बेचने वाले थे, मार्केटिंग करने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इसका कोई शिकवा शिकायत इस तरह का सामने नहीं आया, बल्कि कस्टमर ने खुश होकर इसमें जिन्होंने बुकिंग ली आज वो सेटिस्फाइड कस्टमर है। थैंक यू सो मच सर। ये थे राना जान मुदस्सिर साहब, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए यूबीएन ट्रेड टावर के हवाले से। अभी इनका ऑफिस भी यूबीएन ट्रेड टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आपको मुझे अगर फर्दर क्यूरी है आपको यूबीएन ट्रेड टावर के हवाले से तो ये हर टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे ज़रूर इनकी टीम से रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।